विज्ञान बड़ा या धर्म, ये सवाल कई वर्षों से हमारे जेहन में लगातार घूमते आ रहे हैं। यहाँ तक कि कई बड़े वैज्ञानिकों का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है, जिन्होंने अपने अंतिम समय पर धर्म में विश्वास दिखाया। इनमें नाम है आइंस्टाइन, ओपेनहाइमर और टेस्ला जैसे। इन सभी का आध्यात्म तथा धर्म पर जो विश्वास है, उसके पीछे कोई भावनात्मक वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे की वजह ये है कि कई ऐसी चीजें और घटनाएं हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं समझ सका है। इसी तरह की एक चीज है समाधि। हिंदू धर्म में समाधि एक ऐसी अवस्था है जिसमें जाने के बाद व्यक्ति का शरीर मृत व्यक्ति के समान हो जाता है, और विज्ञान के सभी तर्कों से जांच करने पर व्यक्ति मृत ही लगता है, जैसे नाड़ी या हृदय गति का रुक जाना, सांसें ना चलना, व्यक्ति का अन्न जल का त्याग कर देना। ये सब चीजें होते हुए भी समाधि में गया हुआ व्यक्ति वापस लौट आता है। इसकी कई बार जांच करने के बाद भी विज्ञान आज तक समाधि के रहस्य को समझने में असफल रहा है। इसी तरह के कुछ उदाहरण सालों से दुनिया के सामने आते रहे हैं, जैसे योगिराज लाहिड़ी महाराज के पास एक बार चंद्रमोहन डे नामक डॉक्टर मिलने पहुंचे। लाहिड़ी महाराज ने उनसे पूछा कि तुम्हारा विज्ञान किसी को भी मृत कैसे घोषित करता है। इस पर डॉक्टर ने सांसें रुकना, नाड़ी का रुकना जैसे तथ्य रखे। तुरंत लाहिड़ी महाराज ने अपने शरीर में वो सभी परिवर्तन कर लिए एवं समाधिस्थ हो गए तथा उस डॉक्टर से बोले, मेरे शरीर का निरीक्षण करो। निरीक्षण में मृत के सभी लक्षण उनके शरीर में थे। कुछ ही देर बाद लाहिड़ी महाराज होश में आ गए तथा डॉक्टर शिष्य से बोले कि अब मुझे मृत का प्रमाण पत्र दे दीजिए। वो डॉक्टर अवाक ही रह गया। इसी तरह एक अंग्रेजी लेखक भारत में आकर एक योगी से पूछते हैं कि क्या वो अपने दिल की धड़कन बंद कर सकते हैं। इस पर योगी कहते हैं, सिर्फ दिल की धड़कन ही नहीं, दिल, पेट, जिगर और गुर्दे सभी मेरे आज्ञाकारी हो गए हैं, और योग एवं प्राणायाम के माध्यम से मैं इन्हें काबू में कर पाता हूँ। यही नहीं, योगी ने अपनी सांसें रोककर इसका प्रयोग भी लेखक को करके दिखाया। इस विषय में लेखक ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है। यही नहीं, भारत में महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध से लेकर शंकराचार्य, श्री अरविंदो आदि कई लोग समाधि की अवस्था में गहरे उतरे, जिन्हें समझना आज के विज्ञान के लिए संभव नहीं हो सका। आदि शंकराचार्य का तो यहाँ तक वर्णन है कि उन्होंने परकाया प्रवेश तक किया था, जिस समय वो मंदन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ कर रहे थे। इसी तरह अमेरिका के न्यूरोसर्जन डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर ने अपनी पुस्तक प्रूफ ऑफ हेवन में अपने मृत्यु के बाद वापस जीवित हो जाने के विषय में विस्तार से लिखा है। इन्होंने भी अपनी पुस्तक में साफ बताया है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे आधुनिक विज्ञान अभी समझ नहीं सका। यही नहीं, भारत के ऋषियों का इतिहास इसी तरह के उदाहरणों से भरा हुआ है। समाधि के विषय में विज्ञान आज भी मौन साधे हुए है। हिंदू धर्म में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें लोगों ने इस तरह के कार्य किए जिन्हें आज के विज्ञान द्वारा समझ पाना संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद भी आधुनिकता के दौर में कई लोग हिंदू धर्म की वैज्ञानिकता पर सवाल उठाते हैं तथा इसे गलत साबित करने के प्रयास करते रहते हैं। इसी तरह का एक उदाहरण है पंजाब के आशुतोष महाराज का, जिन्होंने 2014 में समाधि लेने से पहले अपने शिष्यों से कहा था कि वो वापस आएंगे। इसी आधार पर उनके शिष्यों ने उनके शरीर को अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने कोर्ट में यह अपील डाल दी कि उनके शरीर को जला देना चाहिए। इसके पीछे उन लोगों का हाथ था जिन्हें आशुतोष महाराज ने समाधि में जाने से पहले नशाखोरी फैलाने, समाज में वैमनस्यता फैलाने और पंजाब में हिंदू सिख दंगे करवाने से रोक रखा था। अब चूंकि आशुतोष महाराज समाधि में चले गए, तो इन लोगों को मौका मिल गया
कि उनके सभी आश्रमों को और शिष्यों को तोड़ दिया जाए। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि आशुतोष महाराज का शरीर जला दिया जाए, जिससे उनके सभी भक्त तितर बितर हो जाएं और जो आध्यात्म और समाज सेवा का कार्य उनके आश्रम द्वारा चलाया जा रहा है वो समाप्त हो जाए, जिससे इन लोगों को अपने मंसूबों को पूरा करने का मौका फिर से मिल जाए। लेकिन आशुतोष महाराज के भक्तों का भी मानना है कि उनके महाराज वापस आएंगे और उन्होंने शरीर को संभाल कर रखा हुआ है। ऐसे में कोर्ट के पास ये मामला गया हुआ है। अब चंडीगढ़ कोर्ट ने पिछली बैठक में मीडिया के अनुसार जज ने आशुतोष महाराज के भक्तों एवं वकीलों से ये प्रश्न पूछे हैं कि इसका क्या सबूत है कि आशुतोष महाराज संत हैं, एवं समाधि के विज्ञान पर भी सवाल उठाए हैं। जरूरी नहीं कि हर सवाल का कोई जवाब ही हो, अक्सर कई सवाल कई और नए सवालों को जन्म देते हैं। ऐसे ही इस कोर्ट की टिप्पणी के बाद कई सवाल और उठने लगे हैं। कोर्ट को महाराज के शरीर को जलाने की इतनी जल्दी क्यों है? वैसे तो आशुतोष महाराज बड़े संत हैं और उनके लाखों अनुयायी हैं, पर यदि एक तरफ ये भी मान लिया जाए कि आशुतोष महाराज साधारण व्यक्ति हैं, तो भी कोर्ट को किसी व्यक्ति के शरीर को जलाने से क्या सरोकार? यदि लाखों भक्तों की श्रद्धा से जुड़ा ये मामला है तथा भारत का संविधान भी आस्था की रक्षा करने की इजाजत देता है, तो फिर किसी को भी ये बिना कारण के कहना कि शरीर समाधि में नहीं है और उसे जला देना चाहिए, ये कहां तक उचित है? आशा करते हैं कि कोर्ट इस बार जलीकट्टू की तरह लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा और हिंदू समाज को उनकी आस्था के आधार पर कार्य करने की इजाजत दे देगा।